पाब्लो एस्कोबार के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। पाब्लो एस्कोबार हर महीने 2000 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इनकम जनरेट करता था, वो भी सिर्फ ड्रग्स के बिजनेस के थ्रू। और उन सब पैसों को बांध के रखने के लिए वो हर महीने $2,500 यानी कि तकरीबन 1,80,000 रुपये केवल रबर बैंड्स में खर्च करता था। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसके पास जगह कम पड़ती थी उन पैसों को स्टोर करने के लिए। पाब्लो एस्कोबार अपना ज़्यादातर पैसा वेयरहाउसेस और फील्ड्स में रखता था और हर साल पाब्लो एस्कोबार को $2.1 बिलियन का लॉस होता था, क्योंकि कई बार चूहे ना पैसे कुतर जाते थे या कभी वेयरहाउसेस या फैक्ट्रीज में आग लग जाती थी। तो हर साल लगभग $2 बिलियन का लॉस होता था पाब्लो एस्कोबार के पास, फिर भी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। और एक बार तो गाइस पाब्लो एस्कोबार की बेटी को हाइपोथेरेमी हुआ था। उसमें कुछ होता ही है कि जिस व्यक्ति को हाइपोथेरेमी होता है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर घटने लगता है, अचानक से बॉडी में हीट की कमी हो जाती है। तब उस वक्त पाब्लो एस्कोबार ने अपनी बेटी के लिए $2 मिलियन बर्न कर दिए थे, जी हाँ गाइस जला दिए थे, ताकि उसकी बेटी को जितनी हीट की ज़रूरत है वो मिल सके। और तीसरा और आखिरी फैक्ट, जब 1991 में पाब्लो एस्कोबार ने अपने आप को सरेंडर किया था, तब उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने कुछ ऐसी शर्त रखी थी कि वो जिस प्रिजन में रहेगा ना, वो उसकी खुद की बनाई हुई प्रिजन होगी। और गाइस उस प्रिजन में हर एक फैसिलिटी जो पाब्लो एस्कोबार को चाहिए थी वो सब थी उसमें, जैसे कि नाइट क्लब्स, सॉकर फील्ड्स एंड कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन, एवरीथिंग जो कि पाब्लो एस्कोबार को चाहिए थी वो सब कुछ था। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।